तो वैसा भी तो कुछ नहीं है बिहार में, जो मतलब पढ़ लिख के कुछ कर उद्योग धंधा भी नहीं है, कुछ ऐसा काम भी नहीं है, तो छोटा छोटा काम से कितना आप मतलब इनकम कर सकते हैं, कुछ कुछ बड़ा सोचता है कुछ भी करने के लिए। कि बिहार में रोजगार की व्यवस्था लाए और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं बिहार से बाहर ना जाए, पलायन रोके। नहीं बज नहीं, नहीं मैडम पढ़ाती नहीं है, इधर देखो स्कूल से भागे, पढ़ेंगे कैसे उनको, वो जो हम पढ़ते हैं उनको वो पता ही नहीं है। बेरोजगारी का दूर करेगा कि जो है बेरोजगारी को जो है दूर करता। नमस्कार, केशव राय के साथ आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हम अभी पटना गांधी मैदान में हैं। आज हम कुछ सवाल पूछेंगे यहाँ मौजूद तमाम युवा से। मेरा आज का मुद्दा रहेगा बेरोजगारी। हम बिहार की बात कर लें या फिर देश की बात करें, कहीं ना कहीं बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है। यहाँ पे जो पढ़े लिखे हैं वो भी, जो अनपढ़ हैं वो भी, जो पढ़ रहे हैं वो भी, तमाम लोग अगर हम 100 में से अगर ले लें तो 80% लोग लगभग बेरोजगार हैं। आज इसी तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे, आखिर बेरोजगारी को युवा वर्ग किस नज़र से देखते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं भैया। पढ़ाई करते हैं जी। क्या कहेंगे बेरोजगारी पर, कुछ मत देंगे? बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है बिहार में, वैसे सब स्टूडेंट पढ़ लिख के जिसका जॉब वगैरह नहीं होता है तो भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर प्राइवेट जॉब करते हैं, फिर बाहर मजबूर में चल जाते हैं। गार्जियन ज़्यादातर पैसा नहीं दे पाते हैं पढ़ाने के लिए, और जॉब नहीं होता है तो गार्जियन का दबाव भी रहता है। अच्छा, लोग पढ़ाई, जहाँ तक बात है पढ़ाई सिर्फ जॉब के पर्पज़ से ही करे तो क्या बेरोजगारी हट जाएगी? नहीं, तो वैसा भी तो कुछ नहीं है बिहार में, जो मतलब पढ़ लिख के कुछ कर उद्योग धंधा भी नहीं है, कुछ ऐसा काम भी नहीं है, तो छोटा छोटा काम से कितना आप मतलब इनकम कर सकते हैं, कुछ कुछ बड़ा सोचता है कुछ भी करने के लिए, तो इसके लिए कुछ पैसा एडवांस होना चाहिए ना। सरकार से क्या उम्मीद लगाते हैं बिहार सरकार से? जो बिहार सरकार से क्या उम्मीद रखा जाए, जो बोलता है वो होता नहीं है। मतलब शिक्षा के बारे में क्या किया जाए, मतलब सही शिक्षा नहीं मिल पाता है तो ढंग से नई पढ़ाई होने के कारण फिर बीए करके इंटर करके आदमी बेरोजगार हो जाता है, और जिस सही तरीका से पढ़ लिख रहा है उसको कहीं ना कहीं। कितना पढ़े हैं? हम इंटर किए हुए, पार्ट टू का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अच्छा, पार्ट टू का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अच्छा, टेक्निकल है नहीं लेकर के बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ पढ़ाई करते जा रहे हैं, उससे तो उसका कुछ होने वाला है नहीं। और टेक्निकल हैंड भी आज के डेट में ज़रूरी है, टेक्निकल हैंड रहने के बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके आदमी कुछ इनकम कर सकता है, जीवन यापन कर सकता है। लेकिन वैसा ITI में भी आप मतलब प्राइवेट से कर दिया गया है, प्राइवेट से कुछ सिखाता नहीं है, 35,000-30,000 रुपया फी कर दिया है और उसके बाद मतलब कुछ सिखाता नहीं। ITI हर स्टूडेंट किया हुआ है लेकिन उसके बारे में जानकारी 80% का नहीं है। यानी ITI किए हैं लेकिन जानकारी उनको नहीं है? नहीं, सरकारी मतलब कॉलेज में वही हाल है, प्राइवेट में वही हाल है, 30,000 रुपया दो और ITI का डिग्री खरीद लिया जाता है, डिग्री सिंपल मिल जाता है बस, बाद में वो डिग्री आप किसी भी काम का नहीं रहता सर, किसी काम का नहीं रहता। जॉब दिखा उसके बारे में जब पूछा जाता है तो कुछ नहीं जानकारी रहने के बाद मतलब मिलता है, जॉब मिलता है लेकिन कम मिलता है, उसके अनुसार नहीं मिल पाता है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में, इसको जहाँ तक हो सके तो ख़त्म करना चाहिए सरकार को। अच्छा, ख़त्म करने का काम जो जवाबदेही है सरकार का ही है या फिर पब्लिक का भी है? देखिए, जहाँ तक कि सरकार का ही इसमें दोषी है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से कहना चाहेंगे कि बिहार में रोजगार की व्यवस्था लाए और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं बिहार से बाहर ना जाए, पलायन रोके। कितना पढ़े हैं? ज़्यादा तो 10th किए हैं, उसके बाद बेरोजगार घूम रहे हैं सर। अच्छा, 10th किए हैं उसके बाद अभी कुछ नहीं कर रहे हैं? जी नहीं, काम कर रहे हैं बस, मजदूरी करते हैं, खाते कमाते रहते हैं। अच्छा, कितना कमा लेते हैं एक दिन में अगर जानना चाहें तो? 400 रुपया दिहाड़ी मिलती है हम लोग को, काम करते हैं बस कमा लेते हैं। 12,000 महीना हुआ? जी 12,000 में एडजस्ट कर लेते हैं जी। नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, उसमें भी बहुत टेंशन जरूर। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करते हैं बाबू आप? हम पानी बेचते हैं। पानी बेचते हैं, क्या उम्र है आपका? 10 साल। 10 साल, आप देख सकते हैं ये बिहार है और बिहार की राजधानी पटना है, सरकारी स्कूल भी है यहाँ पे। हाँ। जाते हो? जाते हैं हम। क्या बजाज बंद था क्या? नहीं बज नहीं, बंद नहीं है, मैडम पढ़ाती नहीं देखो, है। इधर देखो, स्कूल से भाग गया। स्कूल से भाग गया? कहे भाग गया? मैडम पढ़ाती नहीं है तब पढ़ेंगे कैसे, पढ़ाएंगे तब ना। तुम कैसे समझते हो मैडम पढ़ाती नहीं है, जब तुम पढ़वे नहीं किए तो कैसे जानोगे जो उनको नहीं आता? पढ़ेंगे कैसे उनको, वो जो हम पढ़ते हैं उनको वो पता ही नहीं है। क्या तुम पढ़ते हो जो उनको नहीं पता है?
हम कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका गलत आंसर देते हैं। अच्छा, तुम जानते होगे ना, जो तुम एग्जाम मतलब पहले से जानता होगा तब तुमको पता है कि गलत आंसर दे रहे हैं। हाँ। तब तुम उनसे टेस्ट लेता है नहीं मैडम से? टेस्ट नहीं तो? जो आंसर नहीं हमको पता रहता है वो हम पूछते हैं। वो नहीं बताती है? नहीं। कौन स्कूल में हो? शख्सक लेडर एकेडमी जून। यही बिहार है और यही भविष्य है। कचरा चुन के ये इतना छोटा सा लड़का अपने पिताजी का इलाज करवा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जिम्मेदारी इतना कम उम्र में इस बच्चे के कंधा पे है। देखिए, बेरोजगारी तो बिहार में बहुत ज़्यादा है। अब बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं के बराबर हुआ है। गवर्नमेंट जॉब का एक अपना लिमिटेशन होता है, आप कितना भी पढ़ लीजिए उसमें एक लिमिटेशन है। और कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि मुश्किल है, लिमिट लोगों को ही जॉब मिल सकता है। इसलिए यहाँ पर सबसे अहम गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से डेवलप करें, जिस तरह से गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, एमपी में है, आप साउथ का किसी भी स्टेट में ले लीजिए, वहाँ पे ये नहीं है। वहाँ पे यदि कोई बच्चा टेक्निकल छोटा सा भी डिग्री उसके पास आईटीआई है तो वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भागते हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छे अच्छे डिग्री लेने के बाद भी, पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी होने के बाद भी विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं पटना में। तो सबसे मेन मुद्दा सरकार को ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छे लेवल से डेवलप किया जाए ताकि बेरोजगारी दर जो है वो बहुत कम हो जाए। अभी जो मौजूदा सरकार है बिहार में, उनको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, मौजूदा सरकार पहले से भी काम तो बहुत अच्छी कर रही है, लेकिन जो बेरोजगार जो आज के नौजवान युवक के लिए करना चाहिए सरकार को, वो बहुत अच्छे लेवल पे नहीं कर पा रही है। सबसे मेन मुद्दा है इतने बड़ी आबादी में बेरोजगारी, जो रोज़गार ही नहीं दे पा रही है तो सरकार क्या काम करेगी? सरकार तो आज देख रहे हैं, कल इसका सरकार है, आज इसका सरकार है, सरकार ही अस्थाई नहीं है। तो सरकार यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार क्या अस्थाई दे पाएगी, सबसे मेन मुद्दा ये है। क्या उम्र है आपकी? 55। 55 साल के हैं। कहाँ से हैं? समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। पटना में रहना? बाकरगंज। बाकरगंज में रहते हैं, पानी बेच रहे हैं जी। सरकार से कुछ मदद मिलता है? सरकार तो जो है खुद भिखमंगा है तो जो है मदद कर देगा। सरकार तो हर 5 साल पर अपना पेट पालने के लिए जो है ना पब्लिक से जो है ना भीख मांगता, तो जो है ना सरकार का जो है ना मदद देगा। आज 70-75 साल आज़ादी को जो है ना बीत गया, 70-75 साल में सरकार जो है ना यहाँ जो है ना क्या को जो है ना फैक्ट्री खोला या जो है ना क्या को जो है ना कारखाना खोला, सो जो है ना बताइए आप। खाली अपना पेट पालने के लिए हर 5 साल पर जो है ना भीख मांगने के लिए चले आते हैं, जो हम जो है ना बेरोजगारी जो है ना दूर करेंगे। लेकिन जो है ना बेरोजगारी का दूर करेगा कि जो है ना बेरोजगारी को जो है ना दूर करता? बेरोजगारी दूर नहीं करके बेरोजगार ही यहाँ दूर हो जाते हैं। क्या काम करते हैं? होटल लाइन में काम करते हैं सर। होटल लाइन में काम करते हैं जी। कितने पढ़े हैं? अरे हम 8 पास हैं। 8 पास हैं जी। कितना तक कमा लेते हैं बिहार में? बिहार में अभी हम फिलहाल बस कुछ दिनों से ही, मतलब महीने 2 महीने से ही बिहार में हम जॉब कर रहे हैं। इससे पहले हम दिल्ली रहते थे जी। तो बस वही जितना दिल्ली में कमाते थे 10-15 हज़ार रुपये, यहाँ पे भी उतना ही 10-15 हज़ार रुपये कमाते हैं। तो बेसिकली पटना के ही? नहीं, हम मधुबनी जिला से हैं। मधुबनी से? मधुबनी जिला है, गाँव मेरा जयनगर के आस पास है जी। तो आप 10-15 हज़ार के बीच में कमा लेते हैं, उसमें आपका सब कुछ सही से हो जा रहा है? अब सर होता तो नहीं है, बट गुजारा करना पड़ता है। क्या कहेंगे यहाँ की सरकार से? अब यहाँ की सरकार के क्या कहेंगे, मतलब यहाँ की सरकार तो यही नहीं सोचते हैं कि हमारे, मतलब जैसे जब वोट का समय आता है तब तो मतलब अपना खूब बढ़ावा चढ़ावा करके अपना कुछ कुछ कर लेते हैं, फिर इसके बाद में बस कुछ जनता के बारे में सोचते ही नहीं है। जनता क्या कर रहा है, कौन सही है कौन गलत है, उसके बारे में कुछ सरकार को सोचना चाहिए ना? कुछ नहीं सोचते? बिल्कुल नहीं। देखिए, लगभग लोग अगर मीडियम फैमिली का बात करें तो 10-15 हज़ार रुपया कमाने वाले अधिकतर लोग मिल जाएंगे। शायद आज कल बच्चे का एडमिशन कराने के लिए कम से कम मिनिमम 20-22 हज़ार का खर्च लगभग आ ही जाता है। एक बच्चे को अगर आप पढ़ाना चाहें, सही एजुकेशन भी बिहार में आप अगर देना चाहें अपने बच्चे को तो नहीं दे सकते हैं, सच्चाई यही है। बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए अगर
कुछ मतलब सरकार को ये होना चाहिए ना, अरे जिनके पास पैसे हो तो खुद भी पढ़ लेते हैं, जिसके पास सब कुछ है वो तो खुद भी पढ़ लेता है, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली से है, जो मतलब जो गरीब है, उसके लिए सरकार कुछ तो मतलब देगा ना कि हाँ मतलब ये मिडिल क्लास फैमिली से है तो उसके लिए कुछ सहयोग होना चाहिए। हर चीज़ तो मतलब उसी के लिए होता है जिसके पास मतलब सब कुछ है उसके लिए सब लाभ होता है, समझे। हर कुछ मतलब हर जगह वही होता है, जिसके पास सब कुछ है उसी को सब कुछ मिलता है, सरकारी जॉब भी उसे ही मिलता है जिसके पास खूब पैसा हो। ये बात बिल्कुल सही है, पैसे वाले को भी सरकार भी लोन दे रही है, जिसके पास पैसा है लोन भी वही ले सकता है। देखिए हम सरकार से लोन लेना चाहें, हमारा 10 कट्ठा ज़मीन था अरवल जिला में, उस पर लोन लेने गए तो सरकार बोलता है कि तुमको नहीं मिलेगा। 10 कट्ठा आपके पास ज़मीन था? हाँ, कम से कम अभी नहीं हो तो 50 लाख के संपत्ति था, फिर भी सरकार लोन नहीं दे पाता है बैंक ऑफ इंडिया से। यहाँ तक ले अप्लाई किए थे, यहाँ तक ले रसीद के कागज दिखाए थे, नहीं दे पाए। क्या बोला? बोला यही कि नहीं तुम लोगों को नहीं मिलेगा, गरीब आदमी को नहीं मिलेगा, बड़ा आदमी को मिलेगा, समझे। कौन बैंक में गए थे? हमारा तो घर अरवल जिला है। बैंक कौन बैंक गए? बैंक ऑफ इंडिया में। बैंक ऑफ इंडिया गए? हाँ। यानी इनका 50 लाख का जमीन है और इन्हें भी लोन 2 लाख रुपया 2 लाख रुपया नहीं मिला। कितने लोग अपने बच्चे के लिए तंग आकर यहाँ आए हैं, कितने लोग अपने पत्नी से तंग आकर आए हैं। कितना कमा लेते हैं दिल्ली? हम कभी यहाँ देखिए हमारे पास 1 रुपया नहीं था, 500 रुपया लेके आए थे घर से, कपड़ा पड़ा सब छोड़ दिया था, बड़ा मोबाइल भी छोड़ दिया था। अभी कितना कमाते हैं दिल्ली? अभी कमा लेते हैं भैया, 12 तारीख को आए हैं, 4 दिन तो नहीं कमाए, उसके बाद कभी 500 कभी 200 कभी 300 पानी बेचकर कमा लेता हूँ, मजदूरी पर भी जाता हूँ। मैं ज़िंदगी से तंग हो चुका हूँ, ऐसा लगता है मैं अपने आप को आत्महत्या कर लूँ, मगर मैं आत्महत्या नहीं करना चाहता। बहुत बेरोजगारी है बिहार में, बहुत बेरोजगारी है बिहार, बहुत बेरोजगारी है, उसी पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, बेरोजगारी तो मार हम लोगों के भी है, झेल रहे हैं। कहाँ से हैं? पटना से हैं, बिहार से। पटना से ही है? क्या कहेंगे मौजूदा सरकार से, या जो भी सरकार पहले थे, अभी थे, बाद में आएंगे? जो हो रहा है जो ठीक हो रहा है, जो होगा जो ठीक होगा। बेरोजगारी है तो हमारे लिए तो सरकार नहीं गिर जाएगा ना भाई, मेरा ही कमी नहीं है। सोचना नहीं है इस पर? क्या सोचें, हमारा सोचने से कोई फर्क पड़ने वाला है? सबसे बड़ा है वोट, जो आप करते हैं वो आपकी आज़ादी है, वहाँ पर जाके आप अगर गुलाम हो जाते हैं, चाहे वो किसी के भी हों, उसके बाद ही यहाँ का जो पटकथा लिखाता है बिहार राजनीति का, सारा चीज़ यहीं से। आप एक मत देते हैं तो कम से कम उसके बारे में ज़रूर सोचें। आप वोट दे रहे हैं तो क्या चीज़ को लेकर के दे रहे हैं? जाति को देख करके दे रहे हैं, या यहाँ डेवलपमेंट को लेकर के दे रहे हैं, या फिर शिक्षा नीति को दुरुस्त करने के लिए दे रहे हैं? अगर आप कुछ सोच के नहीं वोट दे रहे हैं, चलो भाई सब वोट दे रहा है, चलो हम भी एक वोट देते हैं, तो ये कभी बिहार बदलने में कारगर नहीं हो सकती है। बहुत सारे लोग हैं, हर आदमी का अपना अपना सोचना है, अपना ओपिनियन है, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट यही है कि बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तो नेक्स्ट वीडियो भी हम आप लोग के सामने लेकर के आएंगे, कुछ और जगहों से, कुछ अलग जगह पर जाकर के भी बेरोजगारी पे हम बनाएंगे वीडियो। हम यही कहना चाहेंगे, अगर जॉब का बात करें, गवर्नमेंट जॉब का एक लिमिटेशन है, जैसा कि कुछ पब्लिक ओपिनियन में भी ये सुनने को मिला, एक लिमिटेशन है कि अगर 10 लाख 15 लाख 2 करोड़ 4 करोड़ जो जॉब है उतना ही मिल पाएगा, लेकिन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आप जेन्युइन तरीका से युवा वर्ग जो है बिहार के, वो टेक्निकल हैंड भी लें, और सरकार जब आप वोट देते हैं, जब आप चुनते हैं, तो थोड़ा सा सूझबूझ के साथ चुने। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए आप जुड़े रहें द न्यूज़ 15 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।